गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन. इन लास्ट प्रीवियस चैप्टर वी लर्न अवर डाइट. इन दिस चैप्टर वी लर्न सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड न्यू टर्म्स. डाइट, व्हाट इज मीन बाय डाइट. वी ईट सम फूड प्रिपरेशंस एज पार्ट ऑफ अवर मील्स एवरी डे. मीन्स हम जो भी सुबह से लेकर शाम तक खाना खाते हैं वो. वी ऑल्सो ईट सम स्नैक्स बिटवीन मील टाइम्स. मीन्स खाना खाने के बाद भी हम थोड़ा सा दिन भर थोड़ा सा स्नैक्स खाते हैं. बिसाइड्स वी माइट ऑल्सो हैव अ मिल्क, टी, कॉफ़ी और शरबत्स. उसके साथ हम स्नैक्स के साथ भी हम थोड़ा सा चाय, दूध लेते हैं. ऑल दैट वी ईट और ड्रिंक ड्यूरिंग द डे इज टुगेदर कॉल्ड अवर डाइट. मीन्स सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, वो हमारा डाइट है. सी हियर, व्हाई डज अवर फूड इनटेक डिफर ऑन डिफरेंट डेज. इनटेक मीन्स क्या, फूड जो भी खाना खाते हैं वो. मीन्स हर दिन का इनटेक हमारा अलग अलग क्यों रहता है. सी हियर, समटाइम्स वी फील वेरी हंग्री. कुछ समय हमें क्या होता है, बहुत हंग्री महसूस होता है, भूख, ज़्यादा भूख लगती है. एंड वी ईट अ लॉट. मीन्स जिस दिन हमें ज़्यादा भूख लगती है तो हम ज़्यादा खाना खाते हैं. दैट डे आवर फूड इनटेक इज़ मोर. मीन्स उस दिन का हमारा जो इनटेक है, जो खाना हम खाते हैं, वो ज़्यादा होता है. एट सम अदर टाइम वी डू नॉट फील सो हंग्री. और कुछ दिन, कुछ समय हमें क्या होता है, ज़्यादा भूख नहीं लगती. एंड वी ईट वेरी लिटल्स. जिस दिन हमें ज़्यादा भूख नहीं लगती उस दिन क्या करते हैं, थोड़ा कम खाना खाते हैं. दैट डे आवर फूड इनटेक इज़ लेस. मीन्स उस दिन का हमारा जो खाना है वो क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है. कैन यू टेल, सी हर गिवन पिक्चर, विच ऑफ दिस टू इज़ लाइकली टू हैव अ बिगर इनटेक. मीन्स यहाँ पे एक ग्रैंड मदर है और मदर है, इनमें से किसके किसका खाना ज़्यादा है. ऑब्वियसली मदर का, क्योंकि मदर को दिन भर काम करना पड़ता है और ग्रैंड थोड़ा सा आराम रहता है. ताई इज़ यंग, शी ईट्स मोर, सो हर इंटेक इज़ ऑल्सो बिगर. मीन्स जो यंग रहते, फ्रॉड रहते, उसका जो खाना रहता है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होता है. ग्रैंडमा इज़ ओल्ड, क्योंकि जो यंग्स रहते हैं उनको काम भी ज़्यादा रहता है और उसका उनको वो खाते भी ज़्यादा है. ग्रैंडमा इज़ अ ओल्ड, सो हर इंटेक इज़ लिमिटेड. उसका खाना थोड़ा सा कम रहता है. When doing certain kinds of works, we make a lot of vigorous movements. Such work is hard on the body, is called physical labor. यहाँ पे कुछ पिक्चर दी है, यहाँ पे है ना, बहुत सारा उसने जो फिजिकल वर्क्स उनका ज़्यादा हो रहा है. फिजिकल लेबर्स मेक अस वेरी हंग्री. जो ज़्यादा खाना, ज़्यादा वर्क होता है, ज़्यादा वर्कलोड होता है, उनका खाना ज़्यादा होता है. लेकिन सम काइंड्स ऑफ वर्क कैन बी डन सिटिंग ऑन वन प्लेस, है ना. यहाँ पे एक पिक्चर दिया है सेडेंटरी वर्क्स का. कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो आराम से चेयर में बैठ के होते हैं. इट डज़ नॉट टेक हार्ड फिजिकल एफर्ट्स टू डू इट. मीन्स उसके लिए फिजिकल एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती. सच वर्क इज़ कॉल्ड सेडेंटरी वर्क. पीपल हु सेडेंटरी वर्क डू नॉट फील एज हंग्री. उनको ज़्यादा भूख भी नहीं लगती. एज दोज हु डू फिजिकल लेबर. द डाइट ऑफ पीपल डूइंग फिजिकल लेबर इज ग्रेटर. जो फिजिकल वर्क्स हार्ड, जो जिनका फिजिकल वर्क्स हार्ड होता है, उनका खाना भी ज़्यादा होता है. दे नीड मोर फूड. उनको ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत रहती है. सी हियर, डू यू नो
चोर्स लाइक कैरिंग, चोर्स मीन्स क्या, काम मीन्स ऐसे वर्क जो कैरिंग वाटर, यहाँ पे पिक्चर दी है, वॉशिंग क्लॉथ्स कपड़े धोना, पानी कैरी करना, स्वीपिंग एंड मॉपिंग मीन्स झाड़ू पोछा लगाना, द फ्लोर इन्वॉल्व फिजिकल लेबर, ये जो वर्क्स है ये क्या है, फिजिकल वर्क्स है। दोज हु डू सच वर्क फील मोर हंग्री, अभी ये जो ज़्यादा काम करने वाले फिजिकल वर्क्स करने वाले क्या होते हैं, ज़्यादा हंग्री होते, ज़्यादा भूख लगती है। वेदर इट इज़ अ मैन और वुमेन हु डज चोर्स, इट इज़ नेसेसरी दैट ही और शी गेट इनफ फूड्स, इनको खाना भी, ज़्यादा खाना भी ज़रूरत है। समझ में आया इतना? यहाँ पे सिर्फ हम, हमारा डाइट कैसे होता है, हमारा डाइट हमारे काम से डिपेंड रहता है। ओके, इन नेक्स्ट चैप्टर वी लर्न वैरायटी इन फूड।